नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो इक्का या राजनीति का खोटा सिक्का, जी हां, झारखंड की सियासत इन दिनों उफान पर है। उफान पर ऐसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी मौजूदा सरकार के सीनियर और बड़े पुराने नेता, मझे मझाए नेता चंपई सोरेन, जो एक वक्त पर राज्य के मुखिया भी रह चुके हैं, वो अब उनका पार्टी से मोह भंग हो गया है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही अभी तक, उससे यह कि किसी भी वक्त वो जो तीनों ऑप्शन रखे थे चंपई सोरेन जी ने, उसमें से जो अंतिम वाला ऑप्शन था कि वो किसी पार्टी का दामन थामेंगे, और किसी पार्टी का क्या, ये तो सब जानते थे, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, तो किसी भी वक्त वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं लगातार। और ये कहा जा रहा है कि या तो अमित शाह को वो जब वो शामिल होंगे तो वो मौजूद होंगे, या जेपी नड्डा मौजूद होंगे, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि किसी भी वक्त चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम लेंगे और अपने मंत्री पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा देंगे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। अब ऐसे में राज्य में जो कुछ भी चल रहा है उसमें दो तरफा सोच हो गई है, दो तरफ से सोचा जा रहा है। एक तो भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका आत्मसम्मान को उनकी ठेस पहुंचा और उन्होंने आहत होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दूसरा यह कि क्या वो अपनी चाल से, अपनी चतुराई से वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, यानी कि विश्वासघात कह लीजिए एक प्रकार से, या अधिक विश्वास करने का नतीजा। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा सिर्फ एक पक्षी नहीं, द्विपक्षी, दोनों तरफ से, कि भाई विश्वास है, आत्मविश्वास है, या विश्वासघात, इसी को लेकर। इसीलिए हमने कहा कि इक्का या खोटा सिक्का, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन आपको उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। चंपई सोरेन पर सस्पेंस हुआ खत्म। इंडिया वॉइस के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। दिल्ली में हुई बीजेपी के बड़े नेता संग बैठक, तो भाजपा ही होने जा रहे हैं चंपई। तो चंपई सोरेन को लेकर इंडिया वॉइस के सूत्र बता रहे हैं कि बात लगभग तय है, बस तारीख तय होना बाकी है, जगह भी मुकर्रर है, बस इंतजार है बीजेपी आला कमान के किसी बड़े नेता का रांची आने का, ताकि उनकी मौजूदगी में चंपई को भाजपा में शामिल कर लिया जाए। जी, चंपई सोरेन पिछले दो दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और झारखंड की राजनीति गर्म हो गई थी। अब तक यह सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर चंपई सोरेन अपने तीन विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनने जा रहे हैं। इस बीच इंडिया वॉइस को खबर मिली कि चंपई सोरेन की बीजेपी के बड़े नेताओं से बात हो चुकी है और बहुत जल्द वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी का दामन थाम लेंगे। साथ ही यह भी साफ हो गया कि चंपई सोरेन किसी बंद कमरे में बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि सार्वजनिक सभा में वो अपने नए साथियों से हाथ मिलाएंगे। उस सभा में या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, या अमित शाह, या फिर जगत प्रसाद नड्डा। जो जानकारी है उसमें दम हुआ तो चंपई सोरेन पार्टी और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा कभी भी दे सकते हैं। यह भी साफ है कि चंपई सोरेन अकेले ही शामिल होंगे। इस बीच खबर यह भी है कि चंपई सोरेन को जेएमएम की तरफ से मनाने की कोशिश भी नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि हेमंत सोरेन ने फोन पर चंपई सोरेन की बातचीत दिशोम गुरु शिबू सोरेन से करवाई है और उन्हें मनाया है, लेकिन इंडिया वॉइस के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से चंपई सोरेन से ना तो हेमंत सोरेन और ना ही शिबू सोरेन की कोई बात हुई है। यानी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की चर्चा थी कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच चंपई सोरेन दिल्ली चले गए।
जिसके बाद इन अफवाहों को और बल मिला। जिस दिन चंपाई सोरेन दिल्ली गए उसी दिन उन्होंने एक लंबा पोस्ट ट्वीट कर साझा किया जिसमें उनका दर्द छलका था। चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया में लिखी गई ये वही भावनाएं थी जिसे उन्होंने कई महीनों तक अपने सीने में दबा कर रखी थी। ऐसे में कोल्हान का एक और बड़ा नाम, कद और एक बड़ा चेहरा चंपाई सूबे की राजनीति में धाक रखने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के करीबी और झारखंड आंदोलन के सूत्रधार दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेहद करीबी क्या वाकई में भाजपाई होने जा रहे हैं? तो इक्का या खोटा सिक्का चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, शोभा यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुर्शीद हुसैन रूमी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस, हेमलाल कुमार मेहता नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे हेमलाल जी आपसे। देखिए खबर तो अब यही आ रही है कि किसी भी वक्त आपके एक वक्त के सबसे विश्वसनीय नेता जिस पर आप अंधा विश्वास करते थे वो किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। हेमलाल जी जी हेमलाल जी सुन पा रहे हैं मुझे? ये फोन कान के पास लगाइए सर। हेमलाल जी फोन कान के पास लगाइए, आपकी भी आवाज आएगी, आप भी मुझे आसानी से सुन पाएंगे। ठीक है तो वो ठीक करवा के हेमलाल जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद हसन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरह से इन दिनों झारखंड की सियासत में आप लोगों को चित करने का प्रयास किया गया है, खास करके तब जब विधानसभा चुनाव एकदम दरवाजे पर हो, मुहाने पर हो, ऐसे में चंपाई सोरेन का जाना आप लोगों के लिए कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है? खुर्शीद जी ऐसा है कि चंपाई सोरेन जेएमएम के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जेएमएम ने उनको मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनाकर सम्मान दिया है। वो इतना तो समझते ही हैं कि अगर हम कोई फैसला करेंगे दूर जाने का तो उनके लिए आत्मघाती होगा। चंपाई सोरेन कहीं नहीं जा रहे हैं, भाजपा का खेला हो गए, सुपर फ्लॉप हो गया है। जितना हाइप बरकरार करना था वो जितना मीडिया में छपना था छप गया। अब चंपाई सोरेन दिल्ली से जमशेदपुर लौट रहे हैं और उनके अगले कदम का इंतजार है, लेकिन मेरा मानना यह है कि चंपाई सोरेन कहीं नहीं जाएंगे, वो वापस अपने घर में ही रहेंगे, जेएमएम में ही रहेंगे। ये जेएमएम का आंतरिक मामला है लेकिन गठबंधन का भी मामला है, इसलिए टिप्पणी करना इस पर हम समझते हैं कि वैध है। खेला ना होते नहीं खुर्शीद जी, नहीं होगा खुर्शीद जी, केला सुपर हो गया। खुर्शीद जी या ये आपकी एक मासूमियत है या ये कहें कि देर हो गई हुजूर आते आते, मतलब पूरा जमीन खिसक गया है सर नीचे से और आप अभी कह रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं सर। ठीक है कोई बात नहीं, शोभा यादव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए खबर ये है, जो खबर अभी तक आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है ये कि किसी भी वक्त मंत्रिपद और पार्टी दोनों से इस्तीफा देकर और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। एक चीज बोलना चाहूंगा शिवम दुबे जी, एक चीज सिर्फ बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। चंपाई जी के लिए कबीर का एक दोहा है कि मन की व्यथा मन ही राखो गए, तुम्हें आशीर्वाद है सब बाटी ना रही है। तो पार्टी से असंतुष्ट चल रहे हैं उनके साथ जो अपमानजनक खुर्शीद जी आपको मैंने मौका दिया, अब एक एक करके बात करेंगे। देखिए सर समय थोड़ा कम रहता है इसलिए एक एक करके बात करेंगे, सब अपनी बात रख लेंगे। शोभा जी बोलिए। खुर्शीद जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? खुर्शीद जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? आ रही सर। तो फिर आप एक एक करके बोलिए ना, फिर शोभा जी बोल रही है उनको सुनिए, इसके बाद आपका समय आएगा आप बोल लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। मुख्यमंत्री पद से हटा के खुद मुख्यमंत्री सत्ता पे बैठने का काम करते हैं, तो ऐसे एक सीनियर आदमी जो के विगत 40 साल से ऊपर उनके पिता के समान थे और उनके पिताजी के साथ ही राजनीति शुरू किए थे, तो उन्होंने अपने पोस्ट में सोशल मीडिया पोस्ट पे भी लिखा है कि मैं भीतर से टूट गया हूँ, आत्मसम्मान पे चोट लगी है,
मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो जब लोग इतने व्यथित और इतने अपमानित हो जाते हैं, तब जिस तरह से बातें भी लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जेएमएम में उनको जिस तरह अपमानित किया है, तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि उनका दर्द जो है वो पूरे झारखंड की जनता, पूरे लोग देख रहे हैं जिस तरह उनको अपमानित किया गया। जबकि वो कह रहे हैं कि अचानक बैठक बुलाई गई विधायक दल का, और उस दिन हमारा कार्यक्रम था उसको भी रद्द कर दिया गया। उनको ये भी खबर नहीं मिलता कि मुख्यमंत्री पद से रहते हुए इनको ये नहीं बताया जा रहा उस दिन जिस दिन उनका जो कार्यक्रम को रद्द किया गया। तो इस तरह से इनको बहुत अपमानित करने का जो हेमंत जी किए हैं, तो इतने सीनियर लीडर जो क्या सम्मान में जो चोट पहुंची है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आंसुओं को संभाल रहा हूँ। तो ये कह सकते हैं कि अगर ऐसे में वहाँ रहते हैं तो इनके आत्मसम्मान इतना ही नहीं। शोभा जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि चंपई जी का अपमान हुआ, उनको आदेश देकर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, मैडम जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो सबसे परिवार इतना पूरा परिवार भरा पूरा हुआ था, लेकिन हेमंत सोरेन ने मौका किसको दिया? चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन उस वक्त क्या थे? लेकिन पार्टी के विश्वासी थे, विश्वास करते किया जाता था उनपे, इसलिए ना उनको मौका दिया गया, वरना क्यों दिया जाता? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जेल जाने के बाद क्या ये बात तय नहीं हुई थी कि जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो आप मुख्यमंत्री पद वापस कर देंगे या वापस से मुख्यमंत्री पद मैं संभाल लूंगा? ये बात तय नहीं हुई थी? ये बात कहां बाहर निकल कर आई? आप लोग कसीदे पढ़ रहे हैं कि भाई देखिए उनका अपमान हुआ, अरे उनका सम्मान हुआ था तब तो आप लोगों ने नहीं बोला। आज आपके पार्टी में आ रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है पूरी तरीके से? जो एक स्वाभिमानी आदमी जब किसी पद से बैठते हैं, चाहे मुख्यमंत्री पद पे उनको हेमंत जी ही बैठाए हो, लेकिन जब वो बैठते हैं तो जनहित की बात वो कहे भी कि हमेशा हम जनहित में काम करते रहे। उनको एक कठपुतली की तरह नचाने का इन लोगों ने कोशिश किया। तो एक स्वाभिमानी आदमी जो इतने सीनियर लीडर है, उनका स्वाभिमान में आत्मसम्मान में ठेस की बात है, इसलिए उन्होंने इस तरह से उनको हटा, जब वो नहीं माने गलत कामों के लिए तो उनको हटाया गया। अगर वो जनहित की बात कर रहे थे, जनहित के मामले में उनका कार्यकाल आप देखे होंगे बहुत संक्षिप्त रहा, लेकिन वो लगातार जनता के लिए काम करते रहे। तो वो काम हो सकता है कि उनको हेमंत जी को डर लग रहा होगा, बाद में उनको लगा एक कठपुतली की तरह बैठा देते हैं, लेकिन जब इनका प्रसिद्धि और इनका कार्यों के द्वारा झारखंड में अच्छा इनका अपना होने लगा तो उनको भय लगा तो वो तुरंत हटाने का काम। ठीक है शोभा यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है हेमलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है जी। हेमलाल जी आवाज आ रही है? देखिए खबर यह है कि आपके सबसे विश्वसनीय नेता चंपई सोरेन, जो इन दिनों झारखंड में कम दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, वो किसी भी वक्त वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे, यानी आपकी पार्टी का मंत्री पद और आपकी पार्टी दोनों का त्याग कर देंगे। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए ये तो सबको पता है कि क्या चल रहा है, मेरा सवाल यह है कि आखिर उनके मान सम्मान में कहां कमी रह गई, या जो वो कह रहे हैं कि वो आहत हुए हैं, वो कहां आहत हुए और आप लोग कहां उनका अपमान कर दिए जो अब वो आपकी पार्टी से अचानक उनका मोह भंग हो गया, या माजरा और पूरा मामला कुछ और ही है? हेमलाल जी देखिए, जहां तक सम्मान और अपमान की बात है, तो इतना बड़ा सम्मान कहीं नहीं मिल सकता था। राज्य का सबसे बड़ी पंचायत का मुखिया बनाया गया, सबसे बड़ी पंचायत जो राज्य का जो सबसे बड़ा पंचायत है वो विधानसभा है, विधानसभा का जो है उनको मुखिया बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो ये सम्मान ही है ना, अपमान कहाँ है? मुख्यमंत्री बनाना अपमान है क्या? मुझे बता दें, अपमान है क्या? और दूसरी बात है कि अभी शोभा जी का मैं सुन रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे नहीं, हैं हेमलाल जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आपने राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी दे दी, आप इतना विश्वास करते थे, हेमंत सोरेन उनका पैर छूते हैं, शिबू सोरेन के इतने करीबी हैं वो, सब कुछ प्राइमरी रखा गया उनके लिए, तो फिर दिक्कत कहां आई? मतलब ऐसे अचानक से कैसे मोह भंग हो जाता है? क्या कुछ अंदरूनी मैटर है? और सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा
क्या जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो यह बात तय नहीं हुई थी कि जब हेमंत सोरेन बाहर आएंगे तो फिर वो मुख्यमंत्री पद यानी राज्य के मुखिया की कमान वो संभाल लेंगे? वो तो कह रहे कि आए, मुझसे मुख्यमंत्री पद वापस लिया और मैं आहत हुआ, मेरे कार्यक्रम स्थगित किए गए और वहीं से मैं आहत हुआ और इसी वजह से मैं छोड़ रहा हूं। तो क्या बात तय नहीं हुई थी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सब संवैधानिक तरीके से होता है, संवैधानिक प्रक्रिया है उसका कि विधायक दल की बैठक होती है। देखिएगा कि 31 जनवरी को विधायक दल का बैठक आहूत हुआ, उसके बाद जो है हेमंत सोरेन जी इस्तीफा देते हैं और चंपा सोरेन जी का प्रस्ताव पारित करते हैं, प्रस्ताव आता है और फिर मेजोरिटी का जो ये होता है, लेटर होता है, वो आदरणीय गवर्नर को दिया जाता है। गवर्नर साहब जो है उनको दो तीन दिन बाद जो है शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो ये शपथ ग्रहण हुआ, संवैधानिक तरीके से सब चीज चलता है। उसी तरीके से ठीक जो है, अब आदरणीय हेमंत सोरेन जी जब वो बाहर आए जेल से, बेकसूर साबित होकर के, मैं कहूंगा बेकसूर साबित होकर के, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि कहीं किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए इनको जेल दिया जाता है। हेमंत जी देखिए, इफ हो या बट हो, जो कुछ भी हुआ अब तो चंपई सोरेन जी का वो तो साफ तौर पर दिखने लगा कि मोह भंग हो ही गया है। सवाल ये है कि भाई राज्य में उनका अच्छा खासा, आदिवासी समाज में अच्छी खासी पकड़ है, अच्छी खासी सीटों पर आपको जीत मिलती थी, उनके जाने के बाद जो नुकसान होगा, ये तो नुकसान तो होगा ही, इसका तो अंदाजा होगा आपको। देखिए, मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड की जनता को, मैं बता दूं कि लोग जो है 2019 से लोग जो है सो डुगडुगी बजाते चल रहे हैं, डुगडुगी बजा करके जमा करते चल रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं लोग, सरकार गिराओ, सरकार बनाओ, सरकार गिराओ, अपदस्त करो, हेमंत सोरेन को अपदस्त करो, चुनी हुई सरकार को अपदस्त करो, इस तरह का हथकंडा इन्होंने अपनाया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और वही अभी भी जो है सो सिगुफाई लोगों ने छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दो तीन दिन से बने यहाँ डुगडुगी बजा रहे हैं। एक बाहर से मदाड़ी आए हुए हैं, और वो भी डुगडुगी बजा रहे हैं, पुरजोर की जमा हो जाओ भाई सब लोग, और उसके बाद मैं देखता हूँ सबको लाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, अपना सिगुफा छोड़ रहे हैं। लेकिन उनकी डुगडुगी अभी विफल होने वाली है। आपने देखा होगा कि तमाम विधायकों ने, कोल्हान के तमाम विधायक एकजुट हैं और संथाल के तमाम झारखंड के विधायक एकजुट हैं इंडिया गठबंधन के, कोई भी कहीं नहीं जा रहे हैं। अब सवाल रही आदरणीय चंपई दा का, तो चंपई दा अभी दिल्ली में है, क्या है नहीं है वो आवेंगे तब फिर पार्टी पोर्टल नहीं, तो आपके पार्टी से नहीं, आपके पार्टी से मुख्यमंत्री जी ने या शिबू सोरेन जी ने किसी ने बातचीत करने की कोशिश की है अभी तक चंपई से, चंपई जी से? वो सारी बातें हुई है, उठा रहे हैं, रांची आएंगे, फिर आगे की रणनीति तैयार होगी, बातें होगी, फिर देखा जाएगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चंपई जी कहीं नहीं जा रहे? कहीं नहीं जा रहे हैं अभी तक, तो कहीं नहीं जा रहे हैं। आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से भी हमने देखा था उनका बाइट कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं जहाँ हूँ वही हूँ। तो फिर ये ट्वीट उन्होंने ऐसे कर दिया कि बस थोड़ा राज्य में थोड़ा माहौल बना रहे। देखिए, मान लिया जाए कि किसी को तकलीफ होती है, हो सकता है, तो वो पार्टी फोरम में रखेंगे, वो सारा समाधान हो जाएगा। यदि कोई तकलीफ तो होती है, कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, हम भी कार्यकर्ता है, वो भी कार्यकर्ता है। नहीं सर, चलिए बढ़िया है, ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली, फिलहाल आप अपना आधा भरा हुआ देख रहे हैं, आधा खाली वो शोभा यादव जी बैठी हुई है, वो देख लेंगी, कोई दिक्कत नहीं। शोभा यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, खुशी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, देखिए मैं आपके पास आऊंगा, आप आऊंगा। शोभा जी, मेरा सवाल यही है कि देखिए झारखंड का चुनाव है, ये तो सब जान रहे थे कि आप आदिवासी चेहरे का आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में इतना बड़ा कांड हो जाएगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो जो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े विश्वासु हैं, वो सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, मामला वही डिस्टर्ब हो जाएगा। शोभा जी, जी सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा कि सोशल मीडिया पे इन्होंने पोस्ट में लिखा कि इनका केंद्रीय कार्यकारिणी का बैठक वर्षों से नहीं हो रहा,
और एक तरफा आदेश पारित किया जाता है। एक सीनियर लीडर जो कि उनके पिता के साथ तुम काम कर चुके हैं और सबसे वरिष्ठ लीडर हैं, उनको आप अगर कोई अपना आदेश सौंपते हैं, वो भी मुख्यमंत्री पद पे जब बैठ गए तो जनता के लिए वो बैठे हैं, जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो उनको जनता के साथ न्याय और उनके हित की बात सोचना पड़ता है, उसमें जब अपने बातों को आप सौंपते हैं तो स्वाभिमान में नहीं। शोभा जी तो एक आपसे सवाल पूछता हूँ। शोभा जी एक सवाल पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए चंपई सोरेन जी आपकी पार्टी में आ जाते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, जाहिर सी बात है कि आदिवासी चेहरा बनाकर आप चंपई सोरेन जी को आगे तो करेंगे ही करेंगे, अभी तक जो आपकी रणनीति और ये सारी चीजें समझ में आ रही है। कल को वो कहे कि हमें मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद ऑफर करिएगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद का जो खून है वो उनके मुंह लग गया है और इसी वजह से वो आहत हुए क्योंकि उन्हें हटाया गया, यानी बनना तो अब उनको मुख्यमंत्री है और बाकी मंत्री पद चाहिए था वो है उनके पास, तो मतलब आप वो दीजिएगा जो मांगेंगे। और जितने भी लोग आएंगे सबका यहाँ पे स्वागत और वेलकम है, और उसके बाद जब इतने सीनियर लीडर आ रहे हैं तो अगर आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और उनको वेलकम किया जाएगा। लेकिन पार्टी का अपना नियम है, आप पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ये क्षत्रिय पार्टी नहीं है, तो ये बहुत कह सकते हैं कि जब वो आएंगे तो उनका स्वागत होगा और बाकी आगे जो भी होगा वो बड़े लीडर आपस में बैठ के बात करेंगे। और संपैदा तो बहुत बड़े कद के लीडर हैं और उनको उनका आना हम लोग के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है शोभा जी। खुर्शीद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए जिस तरह से झारखंड में चल रहा है, जेएमएम से पूरी तरीके से बगावत चल रही है और बीजेपी से अदावत चल रही है, यानी कि प्यार मोहब्बत सब चल रहा है, आप थर्ड पार्टी की तरह किसी जगह पर बैठकर ये देख रहे हैं कि मामला कहां कमजोर हो रहा है कहां मजबूत हो रहा है। अब चंपई जी जाएंगे आपके सहयोगी दल को नुकसान होगा, तो आप भी कहां से आगे बढ़ पाइएगा खुर्शीद जी? ऐसा है कि ना खुदा मिला ना विशाले सनम, भाजपा के लोगों ने ही चंपई का गेट बंद कर दिया है। भाजपा में जो आदिवासी नेता हैं बाबूलाल मलांडी और अर्जुन मुंडा, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि चंपई सोरेन उनकी पार्टी में आए और मुख्यमंत्री का पद उनको ऑफर दिया जाए, ये कैसे हजम होगा? तो ये स्वाभाविक है कि वो लोग नहीं चाहेंगे कि चंपई जी भाजपा में जाएं और चंपई के खून में जेएमएम का वो भरा हुआ है, वो विचारधारा मेल नहीं खाता है। शुरू से ये आंदोलनकारी रहे हैं झारखंड के मूवमेंट में, झारखंड अलग राज्य कराने में शिबू सोरेन के साथ ये कदम से कदम मिलाकर लड़े हैं, शुरू से विधायक रहे हैं, झाबुओ ने इनको मंत्री है, मुख्यमंत्री सम्मान किया है। सुनिए ना, ये बताइए ये जो इतनी लंबी लिस्ट उन्होंने लिखी थी उस लिस्ट में आपने दो चार लाइन भी पढ़ा है? अगर आपने दो चार लाइन भी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं और अपने वो कहते ना कि दिल की तसल्ली के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो वो वाला रोल निभा रहे हैं उस वक्त। इसके लिए दो महीने का इंतजार क्यों? मैंने इससे पहले कहा था, यही तो सवाल है ना। एक सेकेंड खुर्शीद जी, यही सवाल है, इसके लिए दो महीने का इंतजार क्यों जी? तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए। मैं यही बोल रहा हूं कि अगर उनको समझ में आ रहा था कि उनको अपमानित किया गया है। ठीक है खुर्शीद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, देखिए समय का अभाव है, चर्चा यहीं रुकना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। शोभा यादव जी आप भी, खुर्शीद जी आप भी, हेमलाल जी आप भी। तो किसी भी वक्त चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, अब देखना यह है कि कब, समय कब। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।